वेलकम टू कैच लाइफ विद जीकेस। मैं अपने सभी फ्रेंड्स को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ इस वीडियो के जरिए जिसमें मेरे चैनल में हो गए हैं 1K सब्सक्राइबर। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सबके लिए मैं 1K स्पेशल Q&A 1K सब्सक्राइबर की इंटरव्यू लेके आई हूँ जिसमें आप मेरे बारे में और बेहतर जानेंगे और देखेंगे कि कैच लाइफ विद जीकेस है क्या। लेट्स स्टार्ट। तो मैम, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको कैसा लग रहा है आपके 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। मैं चाहती हूँ और भी अच्छी अच्छी एंटरटेनमेंट वीडियोस मैं बनाऊँ, अपने अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाऊँ और इसी तरह से मेरी फैमिली बढ़ती रहे। और मैम, आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आपकी फर्स्ट वीडियो कौन सी थी? मेरी फर्स्ट वीडियो ब्लॉग थी जिसमें मैंने किड्स वार्डरूम अरेंजमेंट के ऊपर बनाई थी और यहाँ से मैंने अपना एक यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट किया था। और मैम, आपकी फेवरेट YouTube वीडियो कौन सी है? मेरी सभी वीडियोस मुझे बहुत पसंद होती है। अगर मेरे पास फ्री टाइम हो तो मैं अपनी वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये कह सकते हैं कि मैं खुद की फेवरेट हूँ, तो इसलिए मुझे हर वीडियो मेरी मनपसंद है। और मैम, आपका क्वेश्चन है कि आपने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया था? मेरे पास बहुत फ्री टाइम था। जी हाँ, हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्री टाइम तब था जब हम लॉकडाउन में थे और घरों में बंद थे। उस टाइम हमारे पास सबसे बेस्ट टाइम था जब हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते थे दुनिया के सामने। तो इट्स माय बेस्ट टाइम और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उस टाइम मैंने अपना चैनल शुरू किया। मैम, आप क्वेश्चन पूछने के बाद अब आ गया रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर, वाओ। तो इसमें रूल्स हैं कि आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए और आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत कम टाइम है और आपने कोई क्वेश्चन के बीच में ये नहीं करना, आप इतनी जल्दी क्यों बोल दिया। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। सो मैम, व्हेन यू स्टार्टेड दिस चैनल? आई स्टार्टेड April 25, 2020। So your answer is right. Okay, तो मैम, second question है आपका कि आपकी सबसे popular video कौन सी थी? रणक बाजार वाली video, it's a popular video. Shopping जिसमें हम करने गए वो सबसे popular थी। Okay मैम, आपका answer जो है right है। तो मैम, आपका third question है आपकी सबसे funny video कौन सी थी? Funny video वो थी जिसमें मैं पोहा बनाया था, पोहा recipe, how to make perfect पोहा recipe. नाइस मैम। तो आपको क्या लगता है आपकी वीडियोस कैसी क्यों होती हैं? कैसी होती है? मेरी वीडियो सिंपल भी है और फनी भी है। ओके मैम, आपका आंसर राइट है क्योंकि आपकी वीडियो ऐसी होती है। तो मैम, रैपिड फायर राउंड जो है खत्म हो चुका है, अब हम फिर से क्वेश्चंस पे अपने चलते हैं। तो मैम, अब आपको कैसा लगता है कि आप क्या करते हो अगर आपको बैड कमेंट्स आए तो? क्या आप जैसे नाराज हो जाते हो या कैसे करो? हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर यूट्यूबर के जर्नी में कोई ना कोई ऐसी वीडियो होती है जिसमें अच्छे कमेंट्स होते हैं पर किसी वीडियोस में बुरे कमेंट्स भी होते हैं। शुरू में जब इस तरह से मैं फेस किया तो पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे ऐसा लगता था क्यों मुझे कोई इस तरह से कमेंट कर रहा है, क्यों बुरा कह रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि हार्ड वर्क करना चाहिए कि आगे हम क्या कर सकते हैं या आगे हमें क्या करना चाहिए, आगे कैसी वीडियोस बनानी चाहिए। अब इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे मेंटली और हो सकता है आप सोचें कि मैं छोड़ ही देता हूँ क्या करना है। इस तरह से नहीं करना चाहिए और हमें उस पर फोकस करने के बजाय अपनी आगे की जर्नी पर फोकस करना चाहिए। ओके मैम, आपने अपने चैनल का नाम कैच लाइफ विद जीकेस क्यों रखा?
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मैंने अपने चैनल का कैच लाइफ विद जीकेस क्यों रखा, क्योंकि ये एक ऐसा नाम था जो मेरे चैनल पे बिल्कुल सूट हो रहा था और जो आइडियाज़ थे वो बिल्कुल इस पे परफेक्ट थे, क्योंकि ये एक चैनल है जहाँ हम जिंदगी के हर रंग दिखाना चाहते थे, क्योंकि एक वुमेन की जर्नी केवल एक चीज़ पे सिमट के नहीं रहती, वो एक हाउस वाइफ भी है तो एक बच्चों की टीचर भी है, वो बाहर वर्क भी कर रही है और अपनी गार्डनिंग पे भी देखती है, स्टिचिंग भी कर लेती है, क्रिएटिविटी भी करती है और ट्रैवल भी कर रही है, इस तरह से हर काम करते हैं हम। तो इसी तरह की सोच मेरे साथ है कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर रंग अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाऊं, अपने फ्रेंड्स को दिखाऊं, इसलिए मेरे चैनल का नाम था कैच लाइफ विद जीकेस। तो मैम आपका रियल नेम क्या है? मेरा रियल नेम है गुरप्रीत कौर। और मैम आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबीज़ है कि मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे गार्डनिंग करना भी बहुत पसंद है। ये देखिए, ये एक छोटा सा नमूना है मेरे DIY का जो मैंने गार्डनिंग पे यूज़ किया है। मैं चाहती हूँ कि जब जहाँ मैं बैठूँ मेरे आसपास अच्छी हरियाली हो, मुझे पौधों के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है। मैम आप कौन सी एडिटिंग ऐप यूज़ करते हैं? आप पहले कौन सी करते थे और अब कौन सी करते हैं? जब मैंने अपने चैनल की शुरुआत की तो व्लॉगर मेरा एडिटिंग ऐप था जिससे मैंने शुरुआत की थी। बहुत ही अच्छी ऐप थी, उस ऐप्स की एडिटिंग इतनी इजी थी कि मुझे समझ में आ गया था कि इस तरह से हम एडिटिंग करते हैं। पर अब जिस तरह से मैं एडिटिंग करती हूँ, मैं काइन मास्टर VN और पावर डायरेक्टर ये यूज़ करती हूँ अपने एडिटिंग उसके लिए, वीडियोज़ के लिए। पर मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को ये कहना चाहूँगी कि एडिटिंग ऐप सिर्फ आपकी एक वीडियो को एक टच देता है, एडिट करता है, पर ये अपनी आपकी खुद की क्रिएटिविटी है कि आप अपनी वीडियो को अपने व्यूअर्स को कैसा दिखाना चाहते हैं। तो एडिटिंग ऐप आप कोई भी यूज़ कीजिए, डजंट मैटर, पर अगर आप अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी से यूज़ करेंगे उस चीज़ को तो आपकी वीडियो अपने आप निखर के आएगी। मैम जैसे आपके 1K सब्सक्राइबर हो गया, पर जब आपके 100 सब्सक्राइबर हुए थे तब आपकी फीलिंग कैसे की थी, मतलब आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, उस टाइम भी यही एनर्जी थी, यही फीलिंग थी और आज भी यही एनर्जी यही फीलिंग है। इस टाइम लग रहा था कि नहीं, कुछ वीडियोस सब्सक्राइबर मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, हमें उनके लिए वीडियोस बनाने चाहिए, अच्छी अच्छी बनानी चाहिए मेरी फ्रेंड्स के लिए। तो मुझे उस टाइम बहुत खुशी हुई थी, जितनी खुशी मुझे आज हो रही है। तो मैम क्या आप अपने सब्सक्राइबर्स को बता सकते हैं कि आपको 1 से लेकर 1K सब्सक्राइबर की जर्नी के बीच में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी? एक्चुअल में जितना इजी हमें लगता है उतना ये इजी है नहीं जर्नी। प्रॉब्लम्स आपको बहुत फेस करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ती है। जहाँ से हम एक वीडियो एडिटिंग करनी सीखते हैं, डाउनलोडिंग करनी सीखते हैं, उसके साथ साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब हम पूरी जान लगाकर कोई वीडियो रेडी करते हैं, डालते हैं और उतने व्यूज़ और हमें व्यूज़ नहीं आते, तो हमें ऐसा लगता है कि क्यों हम वीडियो बना रहे हैं, उस टाइम थोड़ा बुरा लगता है। पर हमें इस तरह से दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि उतनी ही एनर्जी से सेकंड वीडियो और रेडी करना चाहिए और इसी तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट रखें, क्योंकि अप एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो इसे हमें घबराना नहीं चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स जिसमें आपने जाना कैच लाइफ ही जीकेज है क्या। ये था 1K स्पेशल और मैं उम्मीद करती हूँ 100K स्पेशल भी आप ही के साथ हम इसी तरह से मनाएंगे और अपनी जर्नी जारी रखेंगे। तो इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप भी मेरे बारे में जानना चाहते हैं और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं और उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगी। और अगर आप मेरी रील वीडियोस चेक करना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID पे रील वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस तरह से, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, गुड बाय फ्रॉम माई साइड।